अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो है जिसका टाइटल है बदोबदी रोस्ट फिट आशीष चंचलानी। अच्छा, ये है ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो है और शायद आशीष चंचलानी भी है इसके है। इसके अंदर कुछ ना कुछ अपना रंग बंग डालेंगे, तो लेट्स गो, वीडियो को देखते हैं। और अगर तो आप लोगों के भी दिमाग के अंदर बदोबदी आजकल चल रहा है, क्योंकि हमारे तो दिमाग में कुछ ज्यादा ही चल रहा होता है ऐसे ही। पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ है बदोबदी, इंडिया में कितना फेमस है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अरे ये कोई अलग लैंग्वेज है ये भी वही सुन रहा होगा। आज तो बड़े जोश में लगे हो एक्सरसाइज करने, तोड़ के मानोगे क्या? गाना सुन के देखो जो पंप आएगा। आहा क्या, कौन सा गाना है भाई? ये क्या बवासीर सुन रहे हो भाई? अरे बवासीर कर रहे हो भाई। अबे तुम भी पदोपति, क्या हो गया भाई इस दुनिया को? कुत्ते भी पदोपति, अभी भी वक्त है सुधर जा। ये भी पदोपति वाला निकला बे। भैया जी एक ऑरेंज जूस दे दीजिए। पति 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 भैया रैपिडो। हाँ ओके भैया, घर छोड़ दो। चलो भैया, वो पहले से सुधारे सुधारे करा रहे हैं। कितने पैसे हो बदो पैसे? ओके बदोबदी इधर भी। कितने रुपए हुए भैया? ओए होए बदोबदी, ओए होए। अरे भैया ओ ओ ये सच में गिरा? हां ये गिरा है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये स्क्रिप्टेड नहीं था। चलो बनी नहीं है, दो मिल घर में भी बदोबदी। क्या बोला आपने अभी? खिलड़ी हमारी बदोबदी। यार ये बहुत गंदी बवासी है सच में। अबे क्या यार, रुक जा भाई प्लीज, मेरी बात सुन ले। मेरे को नहीं पता मम्मी पापा को क्या हो गया भाई, पता नहीं जीप जीप सी हरकतें कर रहे। दो मिनट रुक जा, मैं यहाँ पर रील बना रहा हूँ, रुक जा भाई। तेरे को रील बनाने की पड़ी हुई है, पूरी दुनिया को पता नहीं क्या हो चुका है। क्या क्या रील बना रहा? रुक जा मेरे भाई, सबर कर ले, समझ नहीं आ रहा क्या है। दो मिनट, ये बदोबदी वाली रील होगी। जिसे देखो बदोबदी बदोबदी, आखिर क्या है ये बदोबदी बदोबदी है? ये गाना है ना, मतलब क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। ओ पूरी दुनिया में आवाज, गैलेक्सी, ओ नो एलियंस। ये बात है कई साल पहले की, जब धरती पे एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जिससे सुनने से आज तक लोग डरते हैं। जी हाँ, एक ऐसी आवाज जिसके कारण डायनासोर्स की सारी प्रजाति का खात्मा हो गया। कहा जाता है कि ये आवाज ही नॉइस पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। एक ऐसी आवाज जिसे सुन के लोगों को जियान की आवाज भी सुरीली लगने लग गई। ओके, और उस आवाज का नाम है What's up my friends, or I should say my dear बदोबदियंस। मार्केट में एक बहुत ही खतरनाक जहर फैल चुका है एक बीमारी की तरह, और जब भी कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर निश्चय आएंगे। कहाँ आएंगे, अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ। देखिए, एक जमाना हुआ करता था जब लोग कहते थे इनसे मिलिए। ये है मशहूर गायक उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, जो सांस भी सुर में लेते हैं, जिनकी आवाज सुन के कोयल भी सोचती होगी मुझे थोड़ा सा रियाज कर लेना चाहिए। लेकिन नाउ वी हैव एन इवन बेटर वर्जन, द अपग्रेड, द ओजी, द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट, the greatest, ladies and gentlemen, please give it up for Ustad Chahat Fateh Ali Khan। Hi, 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 hi.
चार बदलियां नाम है इसका। अपने इंस्टा बायो में सिंगर म्यूजिशियन सॉन्ग राइटर एक्टर डायरेक्टर डालने वाले चाहत साहब बहुत मल्टी टैलेंटेड है। नहीं मतलब टैलेंट तो चाहिए ही है एक साथ इतनी सब चीजें खराब करने के लिए। हाँ ये सच में ये गाने इसका अनु मलिक जी ने जब चाहत फतेह अली खान का गाना सुनने के बाद बोला ना आएगा बेसिकली मैं लोगों के कानों में। अगर क्रिंज के मल्टीवर्स पे एक मूवी बनती तो चाहत साहब उसमें लीड रोल करते। ओ ये गाना इतना एडिक्टिव है कि जब फिजिक्स वाला सर पूछते हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई तो बच्चे बोलते हैं अच्छे लड़ी बदोबदी मौका मिले कभी कभी। मेरा कसम से बहुत बड़ा नंबर है। इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि जब किसी की गर्लफ्रेंड सोच रही होती है ही मस्ट बी चीटिंग ऑन मी लड़का वहां सोच रहा होता है बदोबदी बदोबदी। और लिरिक्स के बारे में मैं वैसे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर लेजेंडरी पंजाबी सॉन्ग है बहुत सालों पहले आया था। चाहत फतेह अली खान साहब इतने ज्यादा आलसी। ये जी ये नूरजहां का सॉन्ग था और इसको बहुत सारे लोगों ने इस गाने के ये जो स्टार्ट वाले बोल है अख लड़ी बदोबदी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे यूज किया। इस बंदे ने गा के इतना जहर घोला है। अच्छा अभी तक मुझे कसम से नहीं पता था कि ये चाहत फतेह अली खान। अच्छा ये चाहत फतेह अली खान और मुझे लगा था कि ये मीम्स हैं जस्ट मजाक में। मीम्स नहीं है ये इसने गाया है पूरा प्रॉपर लिखा है रिकॉर्ड किया है। हां प्रॉपर पहले इसने वॉइस रिकॉर्ड कराई फिर उसके ऊपर प्रॉपर ये कॉन्फिडेंट पागल वो शेखुपुरा में इसको लोगों ने स्टेज पे गालियां भी दी और चीजें बोतलें भी मारी। कितना हिट कर गए दिया है कि उन्होंने ओरिजिनल गाने के भी सिर्फ चार ही लिरिक्स उठाए हैं बदोबदी आंख लड़ी बदोबदी आंख लड़ी कदो कदी मौका मिले कभी कभी बदोबदी फॉरवर्ड करा बदोबदी और फॉरवर्ड करा इट्स ऑल बदोबदी ही डिड नॉट इवन मेक द एफर्ट कि मैं गाना आगे सुन लूं ओरिजिनल वाला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे सुनना ही नहीं है। ये गाना इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि WHO कोविड के बाद इसको सबसे बड़ा पैंडेमिक क्रिंज गानों के अगर सारे लेवल निकल जाते ना तो सबसे पहले बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे फिर उसके ऊपर काचा बादाम काचा काचा बादाम ऊपर सेल्फी मैंने ले लिया और टॉप पे बदोबदी सजाए मौत की जगह अगर अपराधियों को लूप पे बदोबदी सुनाया जाए तो वो खुशी मर जाएगी स्वीकार कर लेंगे बंद करो नहीं जाता। लेकिन अगलों को नरक में फिर से बदोबदी सुनाया जाता और पीड़ित करने के लिए। और हमारे हम चाहत फतेह अली खान साहब को छोड़िए हमारी 10 रुपए देकर बुलाई गई फीमेल आर्टिस्ट को देखिए जो यहाँ पर एक सीक्रेट मैसेज सेंड कर रही है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए मुझे 10 रुपए की लालच देके यहाँ पे बुलाया गया था लेकिन अब टॉर्चर कर रहे हैं मुझे बदोबदी में डांस करवा के मेरे पिताजी नहीं एक्चुअली दादाजी एक्चुअली नहीं 4444 फादर की उम्र के चाहत फतेह अली खान साहब जो की भगवान से भी पता क्या कहते हैं कहते हैं 28 रिश्ते मेरे लिए आ चुके हैं चाहत फतेह अली खान कहते हैं ऑन स्टेज नहीं इससे पहले बस दो चार भगवान ने धरती पर उजाला किया था तो चाहत फतेह अली खान साहब वहां पर पेशाब कर रहे थे उनके साथ जबरदस्ती इस वीडियो में मेरे को रखा गया प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज हेल्प मी। और पूरी वीडियो ग्रीन स्क्रीन में शूट करने के बाद बैकग्राउंड में विंडोज XP के स्क्रीन सेवर लगा के चाहत फतेह अली खान साहब इज वेरी हैप्पी इज एंजॉयिंग ही फील्स उन्होंने कोई मास्टरपीस बना लिया लेकिन उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है। हाय 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 गलती नहीं है चाहत साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए बिकॉज उन्होंने ऐसे एपिक लेजेंडरी सॉन्ग्स बनाए हैं लाइक ओह सच में बहुत बदोबदी तो मिल भी जाएगा आई थिंक अवार्ड वोट देने वाला कदो कदी ओ बुढ़ा हो गए ओ ये वो जमाना है ना जहाँ पे पॉपुलर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ फिर आप चाहे कितने ही बड़े गधे क्यों ना हो लोग आपको लॉर्ड का दर्जा तो दे ही देंगे। जब भी internet.com खोलो ऑल आई सी इज बदोबदी 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 यही चल रहा है स्टॉप इट जस्ट स्टॉप इट आई कांट टेक इट एनीमोर इतना बदोबदी सुन लिया अब तो मुझे लग रहा है मैं बदोबदी वाला अंकल बनता जा रहा हूं। गंजा कर आगे वैसे चेक करो और गाएगा ओ ये क्या गा रहा हूँ मैं ये अख लड़े कदो कदी मौका मिले आगे वाले इस पे भी
ओए विंडोज वाली वो पीछे बैकग्राउंड लगा है मौका मिले कदो कदी किसने वेखी आवाज भी मेंढक बना करे कमाल बदो बदी आपको लड़े बदो बदी सब क्या देखना पड़ रहा है मिले कदो कदी अरे जाओ यार क्या पागलपन कर रखा है बदो बदी यार क्या कसम हाय हाय होए होए हाय हाय अरे हट यार हट यार खेलने दो ना ये क्या है क्या कर रहा है यार हट जा अरे धक्का मारो इन्हें यार मौका मिले कदो कदी अज नहीं किसे ने वेखी बदो बदी बदो बदी इसको वायरस लग गया ए तो बाकी कोविड अच्छा लग गया अगले लड़े कदो कदी अबे पागल हो गया क्या बदो बदी बदो बदी मौका मिले बदो बदी सीरियस ले गया बदो बदी चल चुका है उसका भूत उतारना पड़ेगा बदो बदी का भूत उतारना पड़ेगा मम्मी मम्मी एक्सोर्सिज्म करो उसके हाथ पकड़ो सारे आओ जल्दी इसको पकड़ो मंत्र मारू मैं इस पे अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह अरे भाई साहब क्यों मारो इसे मारो मारो सर बदो बदी बदो बदी अरिजीत सिंह बदो बदी ठीक हो गया जी ठीक हो गया फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह के और सोनू निगम शान सब कैसा फेवरेट लगता है इसके ऊपर से भूत उतर गया अभी ठीक हो गया हूँ जय अरिजीत सिंह बाबा की ओके अभी ठीक हो फिर बोलेगा ओ भूत वापस आ गए हाय हाय ओए ओए बदो बदी यार ये ब्लूपर नहीं ये सच में ये सच में चोट लगने की सच में लग गई देखा ये मुझे लग रहा था ये ओरिजिनल है गाइस कैसी लगी आपको वीडियो खैर वीडियो तो बहुत मजे की थी अच्छा सीन ये है कि प्रॉपर वही सारी की सारी चीजें ऐड की हैं मैं एक बार बताऊं ये अभी एक दो दिन ना बीच में ये इतना ज्यादा ये चल रहा था दिमाग में इतना ज्यादा लेकिन ये वाला बेसिकली इसका नहीं है इसका नहीं था ये मतलब ये चाहत फतेह अली खान ये जो बवासीर है इसका नहीं था वो डिफरेंट बंदा था उसके गाना है और सिद्धू मूसे वाले के साथ उन्होंने थोड़ा सा ना वो इसको एडिट करके नहीं नूरजहान का और सिद्धू मूसे वाले का ना एडिट करके वो मिक्सचर करके ना उन्होंने बनाया वो बहुत कमाल का रील्स वगैरह पे बेसिकली वो चल रहा है लेकिन वो जब जहरी सी बात है वो वाला गाना चलता है तो उसके साथ मिलते जुलते गाने भी सामने आते हैं तो ये वाला जो है ना कसम से ऐसा इसने दिमाग खराब किया हो मेरे भी ना मुझे अभी भी यकीन यार मुझे लगा कि इसने मतलब फनी बनाया तो फनी नहीं बनाया ये बंदा गाता है ये इतना ये इससे भी ज्यादा मिस कर रहा है यार कॉट करने दिया इसको तो खैर वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बहुत मजे की वीडियो थी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना और हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय बाय